हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गोल अचीवर्स में। अभी इससे पहले जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था वो पता नहीं क्यों टेक्निकल ग्लिच की वजह से वीडियो अपना आप ही स्टॉप हो गया था। यहाँ पे मैंने आपको एनर्जी वाला पोर्शन पढ़ा रही थी, मैं अब इसके आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ। और इससे पहले वाला जो वीडियो है वो भी चैनल पर अपलोडेड है, प्लीज़ उसे भी देख लीजिए। करीब आधा घंटे का वीडियो वो है और बाकी का पार्ट मैं इस वीडियो में कवर करवा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था कि जब आपका जितना न्यूक्लियस से दूर होता है आपका एनर्जी लेवल, उतना ही उनमें गैप कम होता है। और जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो लेस एनर्जी रिलीज करता है इन कंपैरिजन टू द एनर्जी लेवल्स विच आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। और अगर स्पेसिफिक आपको आंसर करना हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। ओके, अब हम चलते हैं अपने कल वाले क्वेश्चन की तरफ। कल मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने यहाँ एक न्यूक्लियस बनाया था और ये ऑर्बिट थे। अज्यूम कि ये सर्कुलर है। ये एक, मैंने आपसे कहा था कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर रहा है, इसके बीच में गैप कम है यहाँ पे इन कंपैरिजन टू ये वाला गैप। ये देखिए अपना आप ही कैसे भी ये एडजस्ट हो जा रहा है। सॉरी, बता रहे क्यों नहीं बन पा रहे सर्कुलर, पर आप अंडरस्टैंड कर लीजिए इसको। सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा था, फिर एक यहाँ से यहाँ आ रहा था और एक यहाँ से यहाँ आ रहा था। तो मैंने आपसे पूछा था इनमें आपका जो है एनर्जी लेवल फिक्स रहेगा, तो फिक्स तो डेफिनेटली नहीं रहेगा। फिक्स तो नहीं रहेगा क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑर्बिट चेंज कर रहे हैं, मैंने बताया था। और ऑर्बिट चेंज करेंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, तो एनर्जी फिक्स नहीं रहेगा। तो इसका मतलब हमारी एनर्जी जो है वो चेंज होगी, एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन जब एक से दूसरे में जंप करेगा तो आपकी एनर्जी रिलीज करेगा। अब मैंने पूछा था यहाँ ज़्यादा रिलीज करेगा, यहाँ ज़्यादा रिलीज करेगा या यहाँ ज़्यादा रिलीज करेगा। तो देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जितना न्यूक्लियस से दूर है उतना एनर्जी लेवल एक दूसरे के करीब होता है। ये हमारा बन नहीं पाया फिगर में, लेकिन इन जनरल वो करीब होता है। तो जब करीब है तो ये आपकी लेस एनर्जी रिलीज करेगा। इसको शायद मैंने एक्स बोला था, इधर वाई बोला था, इधर जेड बोला था। इन कंपेरिजन टू वाई, वाई आपका क्लोजर है तो इसके एनर्जी लेवल हमारे दूर दूर होंगे। तो जब ये एनर्जी जब जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो मतलब एक्स ने जो एनर्जी रिलीज करी वो आपकी कम होगी किसके, वाई ने जो एनर्जी रिलीज करी। ठीक है, वाई ने आपकी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करी। अब यहाँ पे जेड की बात आ जाती है, तो ये एक आपका स्पेसिफिक आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला आपको पता है, ई ओरिजिनल, सॉरी ई फाइनल माइनस ई ओरिजिनल। ठीक है, ये आ गया आपको यहाँ तक समझ में। अब मैं इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन देती हूँ, ये आपको कर कर लाना है। और अगर नहीं आएगा तो फिर तो मैं कल आपको करवाऊंगी ही क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए, विच ट्रांजिशन रिप्रेजेंट द एमिशन ऑफ अ फोटोन। फोटोन मैंने बताया था एनर्जी रिलीज, जब वो जंप करता है एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन विद मोस्ट एनर्जी। ठीक है, ये है क्वेश्चन। फिगर आपका, फिगर दिख देती हूँ मैं आपको इसमें एक। इसमें आपको बताना है कि
कि सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा और कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, चलिए वो तो बात की बात है। नहीं, वो भी कैलकुलेट कीजिए क्योंकि मैंने फॉर्मूला आपको बता दी पढ़ा दिया है। फॉर्मूला क्या था, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस ट्रांजिशन रिप्रेजेंटेशन में। और ये आपको बता देती हूँ मैं कि ये क्वेश्चन आपका हाइड्रोजन एटम के लिए है, ठीक है, वो मैंने क्वेश्चन में नहीं डाला, हाइड्रोजन एटम के लिए अंडरस्टैंड आप कर लीजिए। आपको बताना है पहला कि आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज हो रही है, वो तो आप देखते ही बता सकते हैं, और आपकी सबसे जो ज़्यादा रिलीज हो रही है वो तो आप बता देंगे देखते ही, और बाकियों में आपकी कितनी कितनी रिलीज हो रही है वो भी बताने की कोशिश कीजिए। ओके, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, और इसका आंसर मुझे पॉजिटिवली चाहिए, वरना तो फिर मैं क्वेश्चन देना और करवाना बंद कर दूंगी। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। आपको एनर्जी वाला यहाँ तक समझ में आ गया, मैं ज्यूम कर रही हूँ पूरा टॉपिक। अब हम चलते हैं दूसरे सबसे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, वो है आपका क्या, सिक्स या सेवन्थ पॉइंट होगा ये वाला, फिफ्थ या सिक्स पॉइंट होगा, क्या है आपका फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये दोनों मैं साथ में ले रही हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों बहुत रिलेटेबल होते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन, अब देखिए ये क्या चीज है, रेडिएशन में यहाँ ए भी आएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आपका एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप करता है तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करता है, फोटोन की फॉर्म में। अब जब भी आपका ये फोटोन है या साउंड वेव है, लाइट वेव है, कोई भी ऐसी आपकी वेव निकल रही है या कुछ भी ऐसा निकल रहा है, आपकी एनर्जी ऐसी रेडिएशन हो रही है कोई भी चीज़, तो उसका कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी या उसकी कुछ ना कुछ, या नहीं होता ही होता है, दोनों ही चीज़ होती है, फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ होता है। अब आपको ये देखना है कि ये जो फोटोन निकल रहा है इसकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट किससे करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी को हम इस चैप्टर में या ज़्यादातर हर जगह हम फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं म्यू से। जब हम ये एटॉमिक वाला पढ़ते हैं ना, मॉडर्न फिजिक्स जब हम यूज़ करते हैं, तब फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, इस सिंबल से, और इसको पढ़ते हैं म्यू म्यू, ठीक है। और इसको वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, किससे, लैम्डा, ओके। तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले जो आपको बताया था इससे पहले, आपके एक इक्वेशन जो करवाई थी एनर्जी वाला फॉर्मूला, फोटोन की जो एनर्जी रिलीज हो रही है वहाँ पे, आपको एक एक्सप्रेशन लिखवाया था एनर्जी का, ई अपर या ओरिजिनल या ई टू लिख देती हूँ यहाँ पर मैं, -E1 इक्वल्स टू आप HC बाय लैम्डा लिखवाया था। यहाँ पर लैम्डा आपका वेव लेंथ था, इसको आप H म्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि C बाय लैम्डा आपका म्यू होता है फ्रीक्वेंसी के इक्वल, ये इसके पहले वाले पोर्शंस में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब देखिए जब हमने एनर्जी कैलकुलेट करी तो इस एनर्जी को आप यहाँ पे एनर्जी की जगह पे आप एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये टू है तो टू डाल दीजिए, सेकेंड ऑर्बिट का आप डाल देंगे आराम से, माइनस इसकी जगह भी आप लिख सकते हैं फॉर्मूला, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में N1 स्क्वायर, ठीक है। अभी इस पोर्शन को भी छोड़ देते हैं, अभी हम सिर्फ ये ई लिखते हैं इधर फॉर योर इजीनेस, ठीक है। इसमें से अब हम कॉमन हमारा यहाँ क्या है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन है, -13.6 जेड स्क्वायर हम बाहर निकाल सकते हैं, अंदर क्या रह जाएगा, 1 -N2 स्क्वायर। अब आप बोलेंगे ये NN भी तो कॉमन है, कॉमन नहीं है क्योंकि ये N2 है सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट या फिर फाइनल ऑर्बिट आप कुछ भी बोल दें, और N1 है आपका ओरिजिनल ऑर्बिट या फर्स्ट ऑर्बिट। अब आपने जब यहाँ पे माइनस का साइन बाहर निकाल लिया, देखिए ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, ये दोनों माइनस माइनस, ये वाला माइनस आपने बाहर निकाल लिया तो ये अंदर वाला माइनस तो माइनस ही रह गया अंदर, -1 by N1 स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या एनर्जी का फॉर्मूला निकला,
ये आपका एनर्जी का एक और एक्सप्रेशन निकल आया जो आपने यहाँ से ड्राइव करके बनाया, अपनी वैल्यूज़ को पुट करके, जो आपकी ये एनर्जी और इस एनर्जी की जो वैल्यू आई होगी उसको पुट करके आपने एक फॉर्मूला बनाया है एनर्जी का ये। लेकिन हमें क्या चाहिए, फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे। पूरा रब नहीं हो पाता, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मतलब अगर ये कुछ ज्योमेट्रिक फिगर आ जाते हैं ना अपने आप, तो वो रब नहीं हो पाते इसमें। देखिए हमारा क्या निकल कर आया था वो हम लिख देते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में 1 बाय n1 का n2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n1 स्क्वायर। आप n1 पहले लिख दीजिए, n2 पहले लिख दीजिए, जैसे मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप एनर्जी की जगह आप अभी छोड़िए, ये मत लिखिए। देखिए अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को माइनस से, इस माइनस का साइन अगर हम यहाँ से हटाना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हटाना चाहें। चलिए मत हटाइए, बाद में देख लेंगे उस पॉइंट को। अभी हम एनर्जी का क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एनर्जी का एक जो मैंने आपको बताया था दूसरा एक्सप्रेशन, एनर्जी की जगह हम जो यूज़ कर सकते हैं क्या होता है, वो hc/λ होता है। तो हम यहाँ hc/λ लिख सकते हैं एनर्जी की जगह, इस एनर्जी की जगह hc/λ लिख दिया, और इधर वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस n1 n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर एज इट इज चला गया आपका, हटाना ही पड़ेगा। क्या गया था आपका hc/λ माइनस 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाय n2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर। ये 1 बाय λ यहाँ रख के आपको क्या वेवलेंथ निकालना है और फ्रिक्वेंसी निकालना है, तो अभी हम वेवलेंथ निकालते हैं। तो वेवलेंथ का सिंबल यहाँ छोड़ के hc को यहाँ नीचे ले जा सकते हैं, तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन hc 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये जो टर्म है ये माइनस 13.6 एच और सी, ये कांस्टेंट है हमारे, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻¹⁴ जूल मीटर पर सेकेंड, और ये सी हो गया आपकी स्पीड ऑफ लाइट, इसका भी आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपकी कांस्टेंट वैल्यूज जब आपने रखी, तो इन कांस्टेंट वैल्यू को रख के जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका एक कांस्टेंट आता है निकल के, जिसको हम बोलते हैं क्या, रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। इसकी जगह अब हम आर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप लिख सकते हैं 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर माइनस का साइन, ठीक है, क्योंकि माइनस नहीं इन्वॉल्व किया था उसमें से, 13.6 से इन्वॉल्व किए थे, कॉन्स्टेंट्स लिए थे, 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका वेवलेंथ का एक्सप्रेशन आ गया, वेवलेंथ कैलकुलेट करने का। अब ये माइनस का साइन है आपका, अगर आप इस माइनस, ये माइनस का साइन था, अगर आप इस माइनस के साइन को हटाना चाहें तो आप इसको अंदर ले आएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, 1 बाय लैम्डा r z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर। ये n1 का, ये यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो ये प्लस का लिख दिया, और ये वाला टर्म माइनस का आ जाएगा, तो माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। यह आ गया आपका वेवलेंथ का पूरा एक्सप्रेशन। अब अगर आपको फ्रीक्वेंसी का निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो आपने यहाँ पर एच सी नीचे लाए थे, जो आपका ये वाला एक्सप्रेशन आया था एच सी, मैं मान लेती हूँ माइनस का साइन इधर चला गया है, पहले हमने कर दिया है, तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। इस hc/λ की जगह आप म्यू लिख दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, hμ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, नहीं आर नहीं सॉरी
यहाँ पे भी आंड आएगा, माइनस 13.6 आएगा। ये आपका एच म्यू इक्वल्स टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर ब्रेकेट में ये वाला पूरा टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू आप ऐसे रख दीजिए और एच को नीचे ले आइए, माइनस 13.6 अपॉन में एच जेड स्क्वायर और ये वाला टर्म, ठीक है। तो ये आपका एक अलग कांस्टेंट होगा और इसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट नहीं कहते हैं। जब हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट यूज़ होता है तब वो हमारा वेवलेंथ के साथ यूज़ होता है। तो क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं कि जो आपका वेवलेंथ जो रेडबर्ग कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, आपकी फ्रीक्वेंसी पे या वेवलेंथ पे, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। वैसे हम लोग को लगता है कि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर रेडबर्ग एक पे कर रहा है तो दोनों पे करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। रेडबर्ग हमारा सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो ये आर क्या हो गया आपका, रेडबर्ग कॉन्स्टेंट हो गया। अब ये आपकी जो है फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑफ द इमेटेड फोटोन, जो आपका इमेटेड फोटोन आया था, इसकी आपकी वेवलेंथ क्या आ जाएगी, 1 बाय लैम्डा आर जेड स्क्वायर अपॉन में 1 बाय n1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय सॉरी नॉट प्लस माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। n1 और n2 आपका बताता है ओरिजिनल और फाइनल ऑर्बिट। सपोज ये आपका है ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल, आप कुछ भी कह सकते हैं इनको। यहाँ से अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर रहा है तो आप क्या, आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, आर जेड स्क्वायर n1 की जगह, मतलब n1 आपसे क्या समझ में आता है, n1 का आपका जो आपका फाइनल आ रहा है, आपका फाइनल और ओरिजिनल n1 इज द फाइनल वाला जहां पर आ रहा है, क्योंकि n2 आपका ओरिजिनल था ना। देखिए कंफ्यूजन हो गया ना, वो आप ओरिजिनल फाइनल लिखने में ये आसानी रहती है कि आपको पता रहता है ओरिजिनल कौन सा था, फाइनल कौन सा था। आपका यहाँ से आ रहा है ये वाला और कहाँ जा रहा है, इस पे आ रहा है, तो ये n=1 हो गया और ये वाला n=3 हो गया। तो फाइनल आपका 1 पर आ रहा है, माइनस 1 बाय कहाँ से आ रहा है, 3 से आ रहा है, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 9 8 बाय 9 इंटू, अगर हाइड्रोजन एटम है तो ये 1 हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आर इंटू 8 बाय 9 1 बाय लैम्डा। आपको एज इट इज यही पूछा जा सकता है, अगर आपसे लैम्डा पूछा जाएगा तो लैम्डा आ जाएगा आपका 1 बाय आर इंटू 9 बाय 8। ये आपको डायरेक्टली वेवलेंथ पूछा जा सकता है और ऑप्शंस में आपको यही सब मिलेगा, 1 बाय आर 9 बाय 8, आर इंटू 9 बाय 8, आर इंटू 8 बाय 9, ठीक है, या कुछ और इसी तरह से एक ऑप्शन, नन ऑफ दिस करके ऑप्शन कुछ भी आपको दे सकते हैं। तो सिंपल से आपको पता चल गया आपकी वेवलेंथ क्या है, ये है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से आ गया। ओके, इसके ना सारे फॉर्मूलाज आप लास्ट में एक जगह लिख लीजिएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है ये वाला कभी कभी, कि एनर्जी आपको मैंने बताया कि एच सी बाय लैम्डा होता है और इसमें यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई बार क्या होता है ना कि आपको आर्मस्ट्रॉन्ग में ऑप्शंस दे रखे होते हैं, ठीक है, आपको एनर्जी पूछी होगी और आर्मस्ट्रॉन्ग में उसके ऑप्शंस दे रखे होंगे, वेवलेंथ गिवन होगी, मान लीजिए 3 मीटर आपको वेवलेंथ गिवन है, 4 मीटर गिवन है, 5 मीटर गिवन है, या फिर आपका 10 मीटर गिवन है, ठीक है, और आंसर्स आपको एनर्जी में दे रखे हैं कुछ सॉरी ये तो मैंने आपको दोनों ही, और आपसे ऑप्शन में आपको ये सारी आपकी वेवलेंथ दे रखी है, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है और आपकी जो एनर्जी दे रखी होगी वो आपको क्वेश्चन में आर्मस्ट्रॉन्ग में दे रखी होगी। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको सपोज एनर्जी दे रखी है 1 2 4 3 1 0 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आपको एनर्जी दे रखी है और आपको वेवलेंथ निकालनी है,
ठीक है, तो आपको फॉर्मूला डायरेक्टली ये पता है, आप क्या करेंगे इसको यहाँ पुट करेंगे और ये दोनों वैल्यूज लगाएंगे इनका जो भी है, आप पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और आप आंसर ले आएंगे, लेकिन वो आपका आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आर्मस्ट्रॉन्ग में रखा है। ठीक है, तो इसकी जगह आपको क्या लिखना होता है, जब आपकी आर्मस्ट्रॉन्ग में वैल्यू होती है तो ये आती है 12431 अपॉन में लैम्डा आर्मस्ट्रॉन्ग। ये इसका आर्मस्ट्रॉन्ग का कन्वर्जन है। ये डायरेक्टली भी पूछ लेता है बहुत बार और घुमा के भी पूछ लेता है, इतना लंबा याद रखने का वैसे नीड नहीं है, सिर्फ 124 बाय लैम्डा इतना भी काफ़ी रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार इसरो का एग्जाम होता है ना, जो इंजीनियरिंग वाला इसरो का ECE का, उसमें आया था ये डायरेक्ट क्वेश्चन। सोचो इसरो का साइंटिस्ट लेवल के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था और ज़्यादातर बच्चे गलत कर कर आए थे। क्यों? क्योंकि सब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू लगा कर आए थे, आर्मस्ट्रॉन्ग वैल्यू पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो एक ये आ गया आपका वैल्यू, और देख सकते अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, दूसरा होमवर्क क्वेश्चन ये है आपका, वॉट इज द वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, इन थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, क्या निकालना है आपको? वेवलेंथ निकालनी है, कब? जब वो थर्ड ऑर्बिट में। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखती हूँ, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएटेड फोटोन व्हेन जंप फ्रॉम फोर्थ एनर्जी लेवल टू सेकेंड एनर्जी लेवल? ये दो क्वेश्चन हैं, ये वाले एक ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, एक ये होमवर्क क्वेश्चन है। इन दोनों को और एक मैं पहले दे चुकी हूँ, ये तीनों होमवर्क क्वेश्चंस के मुझे सॉल्यूशन चाहिए आपके बिल्कुल हर हाल में। ठीक है, मैं रेस कर रही हूँ उसको। अच्छा, वीडियो आपका शायद आधे घंटे का पहले हो गया था, आधे घंटे का ये हो गया, तो ऑलमोस्ट आपका एक घंटे का वीडियो हो चुका है। और ये एनर्जी वाला टॉपिक लंबा था और समझाना भी ज़रूरी था। इसमें एक टॉपिक और रह गया स्पेक्ट्रल वाला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो मैं नेक्स्ट क्लास में मर्ज कर दूंगी आपके और कुछ क्वेश्चन ले आऊँगी, और आपका फिर ये वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक पूरा वाइंड अप हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका इसके नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी, और हो सकता है शायद आज मैं इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी, जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है वहाँ तक के। और इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी रीच बढ़ाइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें आप अपना दे दीजिए जो भी आपका क्वेश्चंस है। एंड वन मोर थिंग कि आप क्वेश्चंस जो भी मैंने इसमें करवाए हैं आपको वीडियो में, दो एक दो क्वेश्चंस, वो खुद दोबारा सॉल्व करना, और जो मैंने होमवर्क दिया है उन्हें सॉल्व करके उनके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर सॉल्यूशन ही डायरेक्टली आप यूट्यूब जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप सॉल्यूशन पेपर पे सॉल्व करके वहाँ पे पोस्ट कर दीजिए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, ठीक है, चलिए तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ।